फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम LIC के एक राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर हम अपने रिस्क कवरेज को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सब जानने से पहले, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 25 ईयर्स से मैं और मेरे हस्बैंड इंश्योरेंस के फील्ड में हैं और हम लोग लाइफ, हेल्थ और जनरल हर तरह की इंश्योरेंस में थ्रू आउट इंडिया डील करते हैं। आइए जानते हैं LIC की एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। पहला है राइडर, यानी एक एडिशनल कवर जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर रिस्क कवरेज को कई गुना बढ़ा लेते हैं, उसे राइडर कहा जाता है। दूसरा है एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना जो अनफॉरसीन, अनइंटेंशनल, वॉयलेंट एंड विजिबल मींस के कारण होती है। तो तीसरा है फ्रेंड्स, इस कवर के लिए अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज इस कवर को लेने के लिए है 18 इयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 इयर्स, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 इयर्स, मिनिमम राइडर टर्म जो है 5 इयर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी अगर हम देखें तो 70 इयर्स या फिर पॉलिसी का खत्म होना, जो भी पहले हो वो रहता है। अगर मान लीजिए किसी ने 100 इयर्स तक की पॉलिसी ली हुई है तो एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर जो है मैक्सिमम 70 इयर्स तक ही उसे कवर करेगा। चौथा है, हम इस कवर को ले कब सकते हैं। हम पॉलिसी लेते टाइम इस कवर को ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें मिड टर्म इस कवर को लेना है तो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 5 इयर्स या फिर उससे ज्यादा अगर रहता हो तो ही हम मिड वे में इस कवर को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ है डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट के 180 दिनों के अंदर ही टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी आना ही डिसेबिलिटी कहलाता है। ये डिसेबिलिटी मेडिकल एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन सर्टिफाई करता है। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के बीच में ही एक्सीडेंट से डेथ होती है तो नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सम इंश्योर्ड भी मिलता है। ये सम इंश्योर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट के एडिशन में होता है। तो इस तरह से ये राइडर डेथ बेनिफिट को जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कर देता है। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का दूसरा बेनिफिट है डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट के 180 दिनों के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से कोई डिफाइंड डिसेबिलिटी आ जाती है तो LIC उसे सम इंश्योर्ड को मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके 10 साल तक देती है। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सम इंश्योर्ड भी 10 लाख है तो LIC उसे 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू 10 इयर्स यानी 120 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देगी, जो कि अराउंड 8,333 आएगा। तो इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के बीच में एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी आती है तो उसे 120 इंस्टॉलमेंट्स में LIC मंथली इंस्टॉलमेंट्स में LIC पैसा देगी। और फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी होने पर जो LIC दूसरा मेन बेनिफिट देती है वो है प्रीमियम वेव ऑफ होने का, यानी पॉलिसी होल्डर का अगर डिसेबिलिटी हो जाती है
तो उसको उस केस में प्रीमियम कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाता है और मैच्योरिटी बेनिफिट उसको एज इट इज मैच्योरिटी पे मिलता है। अगर उसकी मान लीजिए 10 लाख की बेस सम इंश्योर्ड है और जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सम इंश्योर्ड है वो भी 10 लाख है, तो उस केस में उसका प्रीमियम जो है कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा और मैच्योरिटी बेनिफिट एज इट इज मैच्योरिटी पे मिलेगा। पर मान लीजिए सिनेरियो 2, यानी उसकी जो बेस सम इंश्योर्ड है वो 15 लाख है और राइडर सम इंश्योर्ड 10 लाख है, तो 15 - 10 यानी 5 लाख जो उसका बचता है उस पे उसको प्रीमियम देना होगा और बाकी के 10 लाख पर उसका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। और मान लीजिए अगर उसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के अलावा भी कोई और राइडर लिए हुए हैं तो उसे उनका भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है इस राइडर का वो ये है कि इसका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में कुछ भी पूछना हो या कोई पॉलिसी लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा। और बाकी के नंबर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ईमेल आईडी भी दे दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।